कोई पत्रकार बाद में बातचीत में मुझे ऐसा न पूछे कि इसके पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि बंगाल के बजट के 15% से ज्यादा नहीं है। आने पाई का हिसाब कर इस बनाया गया है। मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखना, हमने जो कहा है वो सब हम कर पाए, ऐसी स्थिति में। मित्रों, सबसे पहले हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 75,00,000 किसानों को जो 18,000 रुपया 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वो एक साथ कोई कट मनी के बगैर सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम किया। और उसके बाद हर साल भारत सरकार के 6,000 रुपया जो आता है, इसके अंदर राज्य सरकार का 4,000 रुपया जोड़कर 10,000 रुपया किसानों को देने का काम करें। सभी मत्स्य पालकों को, मछुआरों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मोदी जी एक यूनिक योजना लेकर आए हैं। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5,00,000 तक का स्वास्थ्य के लिए कोई खर्चा न करना पड़े, आयुष्मान भारत योजना। राजनीति, जैसे मैंने कहा कि दुश्मनी का जो भाव होता है, ये यहां तक गया है कि बंगाल के गरीबों को ये 5,00,000 रुपया नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए, इसके लिए हम करेंगे।